यही दो तीन नियम है निफ्टी में आने के और दो तीन नियम है बाहर भी निकलने के. ओके okay, ये ऐसे अपने आप नहीं होता कि एक दिन सुबह उठकर एक्सचेंज ने तय किया कि आज ये निफ्टी से बाहर. नहीं ऐसा नहीं है, उसमें कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए. दो कंपनियां लगी हुई है, नाम आपको पता ही है कौन सी दो है. एक तो यस बैंक लगता है. बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया. तो सुमित जी ये बताएंगे कि जो दो कंपनीज, एक तो निकलेगी ही और शायद दूसरी भी निकले, उन दो के पीछे क्या कारण है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं वो जमावट जो ग्रुप जिनमें से वो दो कंपनीज आ सकती हैं अंदर. तो सुमित जी बताइए. देखिए ये व्हाट्सएप पे एसएमएस शुरू हुए थे, सबसे पहले वहीं से ये आइडिया रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि बहुत सारे एसएमएस आने शुरू हुए कि अब कुछ निफ्टी के अंदर रीबैलेंसिंग होगी और नए नाम आएंगे. सबसे पहले तो वो कंपनियां जो निफ्टी से बाहर हो सकती हैं, सबसे छोटी कंपनियां बन चुकी है यस बैंक. 18,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है. आज इन्होंने अपना 2014 का लोअर टच कर दिया तो उससे ये कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ के नीचे पहुंच गई. दूसरा नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, ये 22,000 करोड़ रुपए भी कामकाज कर रही होगी. ये भी ऑन द वर्ज ऑफ है, अगर 20,000 करोड़ के नीचे आती है तो शायद ये भी रिप्लेस हो जाए. 28 सितंबर के आसपास निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी, यानी कि दूसरी रीबैलेंसिंग जो साल की होती है वो उस समय के आसपास होनी चाहिए और उस रीबैलेंसिंग में शायद इसका नाम बाहर होता हुआ दिखाई पड़े क्योंकि यस बैंक सबसे छोटी कंपनी होगी मार्केट कैप की. करीब एक महीने में शेयर 32% के आसपास गिर चुका है, अपनी मार्केट कैप को बहुत स्ट्रांगली इसने वाइप आउट किया है. अब 5 क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिसमें निफ्टी के अंदर बदलाव होते हैं, इंडेक्स में बदलाव होते हैं. पहला क्राइटेरिया कि वो इंडियन डोमेसाइली कंपनी होनी चाहिए, इंडिया में लिस्टेड होनी चाहिए, जो बेसिक क्राइटेरिया है. दूसरा करीब 10% इसका फ्लोट मार्केट में होना चाहिए, 90% फ्लोट जो है वो प्रमोटर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर मेजरली सभी कंपनीज ऑलमोस्ट मिल रही हैं. इसके अलावा ये कंपनी की मार्केट कैप जो सबसे छोटी कंपनी है उससे 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अब सबसे छोटी कंपनी बनती है यस बैंक तो उससे 1.5 गुना ज्यादा मार्केट कैप उस कंपनी की होनी चाहिए जो कि आने वाली है. तो वो कंपनी हो गई रफली 45 से 46 हजार करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप उसकी मिनिमम होनी चाहिए. इसके अलावा वो एफएनओ में शामिल होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज उसकी इंपैक्ट कॉस्ट 0.5% से ज्यादा होनी चाहिए बीते 6 महीने में. तो ऐसे हमने करके क्राइटेरिया बनाया और इस क्राइटेरिया के अंदर कुछ कंपनियों को शामिल करने की कोशिश की. तो सबसे पहला नाम आता है HDFC लाइफ का. ये कंपनी का नाम सबसे प्रबल दावेदार के तौर पे उठ के ग्रुप्स में भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी की मार्केट कैप तो 1,00,000 करोड़ के ऊपर है लेकिन ये डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है तो ये उस क्राइटेरिया मैच नहीं करती है. दूसरा नाम एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, ये करीब करीब 93,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है लेकिन ये भी डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है. तीसरा SBI लाइफ और ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस स्पेस की बाकी दो कंपनियां, ये भी 52 से 85 हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप रखते हैं लेकिन ये भी डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है. तो आप देख पा रहे हैं पहली 4 कंपनियां जो कि इंश्योरेंस के, जिसमें से 3 इंश्योरेंस की कंपनियां और बहुत प्रबल दावेदारी देखी जा रही है इनकी, लेकिन ये डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है तो ये निफ्टी में शामिल एटलीस्ट नहीं हो सकती. अब शामिल कौन हो सकती है वो भी वही देख लीजिए. पहला नाम आता है हिंदुस्तान जिंक का. इस कंपनी की मार्केट कैप करीब 86,000 करोड़ रुपए के आसपास है और ये डेरिवेटिव का हिस्सा है. दूसरा नाम डाबर का, ये करीब 75,000 करोड़ रुपए की, यानी कि 46,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है इनकी और ये भी डेरिवेटिव का हिस्सा है. इसके अलावा पीडीलाइट, इंडिगो और ICICI प्रूडेंशियल, ये इंश्योरेंस कारोबार की इकलौती कंपनी है जो कि डेरिवेटिव के अंदर है और ये उस क्राइटेरिया को मैच करती है. तो आप नजर रखें इन 5 कंपनियों पर, हिंदुस्तान जिंक, डाबर, पीडीलाइट, इंडिगो और ICICI प्रूडेंशियल, ये 5ों उस क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं जिसमें निफ्टी के अंदर शामिल हुआ जा सकता है. तो अगर यस बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग बाहर होती हैं तो शायद इन 5 में से एक कंपनी या 2 कंपनियां निफ्टी का हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़े. ये तो बहुत बुरी बात है. HDFC लाइफ को तो होना चाहिए और ये वायदा कारोबार में नहीं है. अभी मौका है वायदा कारोबार में जाने का. सितंबर तक या कोई मिनिमम पीरियड गुजारना पड़ेगा वायदा कारोबार में शामिल होने से पहले? अगर कोई भी नई लिस्टिंग होती है तो उसको सारे वही क्राइटेरिया मैच करने पड़ते हैं जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी को करने पड़ते हैं. 6 महीने तो एटलीस्ट डेरिवेटिव में होनी चाहिए क्योंकि 6 महीने की इंपैक्ट कॉस्ट ये देख रहे हैं तो 6 महीने डेरिवेटिव में भी इंपैक्ट कॉस्ट देखी जाएगी और अभी इसे अगर ये लिस्ट शामिल भी होते हैं तो एटलीस्ट इन्हें 6 महीने देखने पड़ेंगे. हाँ वो बात अलग है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी डेरिवेटिव में और निफ्टी में एक साथ कंपनी आ जाए. अगर ऐसा हो जाए तो बात अलग है. जी प्रदीप जी, वैसे मेरी अपनी पर्सनल बेट पीडीलाइट और इंडिगो पे है कि इन दो कंपनी